हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमए कोर्स में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल से मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में से लिस्टेशन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूला डिस्कस करने वाले, यूज करने वाले, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो के फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, बीईपी सेल्स के फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, ओके, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला है, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में सेल्स यूनिट भी दिए हुए एंड सेल्स की टोटल सेल्स के अमाउंट भी दी हुई 1 लाख रुपीज़ एंड वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है। इसके बाद से हमको पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। इसके आगे हमको क्या लिखा हुआ है बी वाले पॉइंट में कि भाई इवेल्यूट द इफेक्ट ऑफ, ओके। यदि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई उसके अंदर हम चेंज करेंगे, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो इन तीनों में क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हमको डिस्कस करनी है। चलिए सबसे पहले हम पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता रहेगी, इसलिए हमने सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपीज़ फाइंड आउट कर लिए है। चलिए अब हम वेरिएबल कॉस्ट की पीवी रेशियो की फॉर्मूला पुट कर देते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, ओके। यहाँ पे उसके हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया है कंट्रीब्यूशन, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एंड सेल्स की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमको पीवी रेशियो मिल जाएगा 60%, ओके। इस प्रकार से अब हम बात करेंगे बीईपी सेल्स की फॉर्मूला के बारे में। यहाँ पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 50,000 एंड पीवी रेशियो हमने अभी फाइंड आउट किया है 60%, तो हमको बीईपी सेल्स मिल गया है। चलिए अब हम बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, ओके। तो यहाँ पे टोटल सेल्स में से बीईपी सेल्स निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो आएगा 16,667। चलिए अब हम बी पॉइंट का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ था भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये सेल्स वॉल्यूम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 20% इंक्रीज करना है, ओके। तो कौन से चीज़ों में इसका इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे मैंने लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है रिमेंबर करके कि भाई चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम लीड्स टू चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई यदि सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ओके। यहाँ पे हमको सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज लिखा हुआ है 20%, ओके। तो यहाँ पे 1 लाख थे सेल्स, उसके अंदर हमने 20% बढ़ा के लिख दिया है 1,20,000, ओके। उसी प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 40,000 थे, उसके अंदर हमने 20% ऐड कर दिया है तो 48,000 हो गई, ओके। चलिए दूसरे वाले पॉइंट में क्या लिखा है डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी सेल्स में भी डिक्रीज होगा 20%, यहाँ पे 80,000 आ गया है एंड वेरिएबल कॉस्ट में भी डिक्रीज होगा, ओके। तो यहाँ पे 40,000 में से कम होके आ गई है 32,000, ओके। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट में 5% इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको वेरिएबल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दिखा है वहाँ पे आप हमको 5% इंक्रीज कर देना है, ओके। फोर्थ वाले पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही है कि भी वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज करना है 5%, ओके। यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे 5% डिक्रीज कर दिए तो हमको कितनी मिली है 38,000, ओके। तो इससे हमारा कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा, पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। यहाँ पे फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि भाई इंक्रीज इन 10% फिक्स कॉस्ट में आपको 10% इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, सेकंड वाले में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। बीईपी सेल्स में हम यहाँ पे जो कुछ भी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई प्योर रेशियो करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 50,000 में हम ऐड कर देंगे 10%, तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 55,000, ओके। तो इस प्रकार से बीईपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज हो जाएगा, ओके। हमको इसी प्रकार से 10% डिक्रीज करना है फिक्स कॉस्ट में, तो चलिए डायरेक्टली हम बीईपी सेल्स में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे 45,000 हो गई है फिक्स कॉस्ट, इसी प्रकार से हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम सेवन्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हमको सेलिंग प्राइस में डिक्रीज करना है 10%, यहाँ पे हमें वर्किंग में भी वही लिखा हुआ है एंड 10% इंक्रीज करना है सेल्स वॉल्यूम में, ओके। चलिए सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस में इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास सेल्स की अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, ओके। उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेल्स यूनिट से, तो वो भी हमारे पास 1 लाख है, तो हमको सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी 1 रुपीज़, ओके। यहाँ पे हमने 1 रुपीज़ लिख दिया, उसके अंदर से 10% डिक्रीज कर देते हैं
तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 0.9 रुपीज़। ओके चलिए, अब हमको सेल्स यूनिट है उसके अंदर 10% इंक्रीज करना है। ओके तो हमको 1 लेख प्लस 10%, तो हमको कितने मिलेंगे सेल्स यूनिट, 1 लेख 10,000। ओके तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस इनको यूनिट, तो हमको सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो आई है 99,000 रुपीज़। ओके हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि सेल्स वॉल्यूम में चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। ओके तो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम में 10% इंक्रीज करना है, तो उसी प्रकार से हम वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% इंक्रीज कर देते हैं, तो हमको हमारे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 44,000 रुपीज़। ओके चलिए, 8 वाले पॉइंट में भी इसी प्रकार से ये हमको लिखना है कि भाई 10% सेलिंग प्राइस में इंक्रीज करना है। यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस में डिक्रीज किया हुआ था, वहाँ 8 वाले पॉइंट में इंक्रीज करना है। ओके एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10% डिक्रीज करना है सेल्स वॉल्यूम में, 7th वाले पॉइंट में इंक्रीज किया हुआ था। तो आप इसी प्रकार से 8 वाले पॉइंट का भी सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। ओके चलिए, अब हमको लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट में 5% डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे हमने डिक्रीज कर दिया है, डिक्रीज करके लिख दिया है 35,000 वेरिएबल कॉस्ट। ओके चलिए, अब हम इसके आगे भी कुछ लिखा है कि भाई फिक्स कॉस्ट में हमको इंक्रीज करना है 15,000 से। ओके तो यहाँ पे हमारे पास बीपी सेल्स में फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने 50,000 में 15,000 ऐड कर दी है, तो 65,000 हमको फिक्स कॉस्ट मिल गई है। ओके तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 1 कितना वाला था, 3rd वाला था, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो हो गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।